हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये है गुप्ता जी और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपको बताएंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि कैसे आप एक छोटे अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके आप मिलियनेयर बन सकते हैं। साथ में हम आपको 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताएंगे और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपने जो भी इन्वेस्टमेंट गोल हैं वो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। गुप्ता जी, जो हमने जो पढ़ा था वो तो सिंपल और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दोनों पढ़ा था, पर आप जो बात कर रहे हो वो सिर्फ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की कर रहे हो। बिल्कुल खन्ना जी, पहले इसका फिर मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा थ्रू आउट द टाइम सिर्फ उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 1,00,000 रुपया जमा कराया, 1% इंटरेस्ट है महीने का, तो आपको 1,000 रुपये मिलता रहेगा और थ्रू आउट द पीरियड उसी पे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। कंपाउंडिंग में क्या होता है, कंपाउंडिंग में है जैसे आपने 1,00,000 रुपये है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, फिर उस पर अगले महीने इंटरेस्ट लगेगा, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने 1,00,000 रुपये कहीं इन्वेस्ट किया 1% के इंटरेस्ट पे मंथली, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में के हिसाब से आपका 1 महीने बाद वो अमाउंट हो गया 1,01,000, ठीक है, क्योंकि 1,00,000 पे 1% इंटरेस्ट लगा, 1,01,000 हो गया। दूसरे महीने वो हो गया 1,02,000, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो इसमें सेम रहेगा, उस पर 1% लगा, 1,02,000 हो गया। एक साल में वो हो गया 1,12,000, 5 साल में वो हो गया ऐसे 1,60,000, ठीक है, ठीक। ऐसे ही वो 20 साल में हो गया 3,40,000। अब आ जाओ आप कंपाउंडिंग में। कंपाउंडिंग में क्या होगा कि आपको पहले 1 महीने का इंटरेस्ट लगा 1,01,000 हुआ, वो 1,01,000 पे आपका अब इंटरेस्ट लगेगा 1%, तो वो 1,010 रुपये आपका और इंटरेस्ट बना, वो उसमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही वो थ्रू आउट द पीरियड प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा और इंटरेस्ट उस पर लगेगा। एक साल में जैसे उसमें हुआ था 1,12,000, इसमें हो जाएगा 1,12,682 रुपए। अच्छा, ये 682 का फर्क आ गया। उसमें 10 साल में हुआ था 2,20,000, इसमें 10 साल में हो जाएगा 3,30,000। अच्छा, उसमें 30 साल में हुआ था 4,60,000, इसमें हो जाएगा खन्ना जी अप्रोक्सीमेट 30 साल में 36,00,000 रुपए, मतलब उसका 8 गुना आपने इंटरेस्ट हो रहा है। अब आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट में देखिए इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पे स्टार्ट हुई थी, 1,00,000 से इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पे स्टार्ट हुई, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है आप देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, कितना डिफरेंस आ गया उसमें, बहुत डिफरेंस आ गया। बिल्कुल, तो ये फर्क होता है कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट में, इसलिए मैंने कंपाउंडिंग की बात करी। ठीक है गुप्ता जी, आप ये भी बता रहे थे कि हमें क्या नाम है कि आपको छोटे से अमाउंट से हमें मिलियनेयर बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खन्ना जी, आजकल आपको पता है अगर म्यूचुअल फंड को हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें तो 15-18% वो इजीली रिटर्न देते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल लोगों की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ 15% ही रिटर्न देगा। तो आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है 1,800 रुपये महीने से, मतलब कि 60 रुपये दिन से। उसमें खन्ना जी एक पेप्सी की बॉटल आ जाती है, कोई अगर 2-3 अपनी सिगरेट पी रहा है दिन की तो वो उतने उस इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन सकता है। सही बात है गुप्ता जी, ठीक है ना। इसमें देखिए सिर्फ 1,800 रुपये आपको जमा करने म्यूचुअल फंड में, और अगर रिटर्न आपका 15% आता है, ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, मान के चलिए 15% आ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें 15 साल में उसके 11,00,000 रुपये जुड़ गए, उसके 25 साल में 50,00,000 रुपये जुड़ गए, और उसके बाद देखिए खन्ना जी उसकी इन्वेस्टमेंट कैसे एकदम रॉकेट की तरह भागी है, उसके अगले 5 साल में वो 50,00,000-1,00,000 हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ 30 साल 1,800 रुपये जमा करने और आपका वो अमाउंट 1,00,000 ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। गुप्ता जी, आज आप बता रहे थे हमें कोई 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड भी बताओगे। बिल्कुल खन्ना जी, मैं आज आपको 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिससे ये आप अपने टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं। उसमें मैं एक फंड लूंगा लार्ज कैप, एक लूंगा मिड कैप, एक लूंगा स्मॉल कैप। देखिए लार्ज कैप का जो फंड है वो है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, इसका मैं रिटर्न भी बता देता हूँ, 3 साल में इसका रिटर्न है करीब करीब 17%, 10 साल में इसका रिटर्न है करीब 15.5%, और 15 साल में इसका रिटर्न है 16.75%। तो 15% मैंने आपको कहा था, देखो उससे ऊपर ही है। ऐसे ही अब दूसरा फंड हो गया मिड कैप का फंड, मिड कैप में जो फंड है वो है UTI मिड कैप फंड, 3 साल में इसका रिटर्न है लास्ट 3 साल में करीब 26.5%, और लास्ट के 15 साल में इसका रिटर्न है 17.7%, ये भी 15% से ऊपर हो गया। ऐसे ही स्मॉल कैप में फंड आ गया कोटेक स्मॉल कैप फंड, इसका लास्ट 3 साल में करीब 35% रिटर्न है और लास्ट के 15 साल में करीब करीब 19% रिटर्न है। तो अगर आप इन 3 म्यूचुअल फंड में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप इतना ऊपर मत मानो, 15% तो ये देंगे, तो आपके 30 साल में इसमें भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो दिन की 60 रुपये की इनकम, तो भी आप 30 साल में 1,00,000 आसानी से जमा कर लोगे। ठीक है गुप्ता जी, आपको टिप भी देने वाले थे हमें आज। बिल्कुल खन्ना जी, अब देखो कई लोग होते हैं यार 30 साल तो बहुत ज़्यादा है या 25 साल तो बहुत ज़्यादा है, तो हम कैसे,
तो इसके लिए गाइस सबसे बढ़िया जो है ना, आप 1800 रुपए आज पहले तो आप जमा करना चालू कर दो, ठीक है। आप मान के चलो 30 साल में जुड़ेंगे, लेकिन आप आज से ही स्टार्ट कर दो पहले तो ये चीज। दूसरी बात, जो आपको जल्दी अगर अपना टारगेट अचीव करना है, तो जब भी मार्केट कहीं पर किसी लेवल पे ज्यादा गिरे, आपको वहां कुछ ना कुछ लमसम डालना है। जो मैं सजेस्ट करूंगा, जितनी भी आप अपनी ईएमआई चला रहे हो, 1800 चला रहे हो तो आप 18,000 डाल दो, 1000 रुपए चला रहे हो तो 10,000 डाल दो। अब वो साल में आप एक बार डालो या दो साल में एक बार डालो, जैसे भी आप डाल सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो 30 साल में 1 करोड़ बनने थे खन्ना जी, वो 25 में बन जाएंगे। हो सकता है 25 से भी पहले 20 में बन जाए, वो आपके ऊपर है आप कितनी बार डालते हो पैसा, ठीक है। मार्केट साल डेढ़ साल में एक बार गिरती है, अच्छी खासी गिरती है, आप उस टाइम पे पैसा डाल दो। जरूरी नहीं आपका पैसा लो पे डले, लेकिन जब गिरे तब आप डाल दो, उससे रिटर्न आपका एकदम शूट अप करेगा। जो 15% है या 18 से 20% रिटर्न आपका हो जाएगा। तो आप ऐसे डालो, आपका टारगेट 30 की जगह 20 साल में अचीव हो जाएगा। ठीक है गुप्ता जी, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो क्वेरी जरूर सॉल्व करें। और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।